एक सवाल और सर, कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और पेट रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत लोगों को गैस की समस्या हो जाती है, तो इसका निदान क्या हो सकता है सर? और गैस ना हो इसके लिए वो मॉर्निंग में लोग क्या करें? देखिए, गैस की जो समस्या है ना, गैस एक वेग टर्म है, गैस कोई बीमारी नहीं होती है। तो गैस एक सिम्टम को लोग अपने ढंग से निर्धारित करते हैं कि ये गैस है, और बहुत बार गंभीर बीमारियों को, मैं पहले इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जी क्योंकि हम लोग बहुत फेस करते हैं इस जी चीज़ को, जी कि गंभीर बीमारियाँ रहती है उसको, भले गैस्ट्रिक ट्यूमर है, पैंक्रेटिक ट्यूमर है, गॉल ब्लैडर ट्यूमर है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, लोग उसको छोटी बीमारी समझने के लिए गैस का नाम दे देते हैं कि गैस है। जी इस दुविधा से बचना है। अगर कोई भी बीमारी जिसको गैस भी आपको लगता है, अगर वो 1 महीने से ज़्यादा रह रहा है, 6 सप्ताह से ज़्यादा रह रहा है, तो उसके डायग्नोसिस पे आपको ध्यान देना है कि किस कारण से हो रहा है, गॉल स्टोन है, पेप्टिक अल्सर है, क्या है क्या है, ये डायग्नोसिस करना है। जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ को रूल आउट कर लेते हैं, तो आपके पास में अब बच जाता है कि भाई कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो उसको फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर बोलते हैं। फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स में कोई आपको कारण डायरेक्टली नहीं दिखता है, जी इसीलिए उसी को लोग गैस का नाम देते हैं। नाम आजकल गैस की समस्या बहुत बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल और फूड में बहुत परिवर्तन आ गया है। लाइफस्टाइल में परिवर्तन ये आया है कि आजकल हम पैदल चलते ही नहीं हैं, रात में ठीक से सोते ही नहीं हैं, सुबह वॉक करते ही नहीं हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई, स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ गया, फूड जो है अब प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उस चक्कर में उसमें बहुत केमिकल्स वगैरह भी यूज़ हो रहे जी हैं, क्वालिटी ऑफ फूड जो है काफ़ी अब मार्जिनलाइज्ड हो गया है। इसके अलावा जो आपका मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भी पास्चराइज्ड है, तो ये है तो वो है, तो फूड एंड लाइफस्टाइल जो है आजकल बहुत गड़बड़ हो गया है, और जो आदमी का स्ट्रेस लेवल है इतना बढ़ गया है कि इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब इसी को करेक्ट कर लीजिए, जी अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, सुबह टहलिए, टाइम पे खाना खाइए, रात पर टाइम से सो जाइए, अपनी एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, फैमिली में थोड़ा समय दीजिए, खाने पीने का देखिए, ऑर्गेनिक फूड्स सब तो नाम दिया जा रहा है, जो हम लोग का स्वाभाविक जो फूड हुआ करता था, तो फूड्स पे ध्यान दीजिए कि कम से कम केमिकल्स वाले मिल जाए, कुछ अपना घर ज़मीन है तो खुद ही थोड़ा सब्जी वब्जी उगा लिए कि जिससे फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, आपको मिल भी जाता है, तो हम जी लोग के यहाँ तो ऐसा वातावरण है कि हम लोग खुद कर सकते हैं, तो उस तरह से करके हम लोग अपनी गैस की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वो लोग चाउमीन, इडली, वो तो एकदम डोसा, जहर है, सामरी, सारी चीज़ों जहर पर है, ध्यान देते उसमें हैं। तो ऐसे ऐसे वो चाइनीज मसाले हैं ना, वो तो बोलते हैं बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, और आगे चल के इंजूरियस भी हो सकता है, लीवर के लिए भी, इंटेस्टाइन के लिए भी, पैंक्रियास के लिए भी, तो वो सब तो 10 साल 20 साल बाद पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिनसे हमने बात की और सारी चीज़ें के बारे में हमने चर्चा किया। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए बी बिहार न्यूज़ के साथ।